अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम नाज़रीन अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बात करते हैं, अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाते हैं। देखने वाले अपनी आरा से हमें नवाज रहे हैं और बहुत सारे पैगाम आपके मौसूल हुए। बारिश के बाद की सूरत हाल और बरसात क्योंकि इस वक्त भी जारी है शहर कराची के अंदर, बड़ा मुश्किल शहर कराची के वासियों के लिए हो चुका है घरों से निकलना, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना, क्योंकि बारिश के बाद जो सूरत हाल अमूमन रहती है वो जगह जगह ट्रैफिक जाम की शिकायत नज़र आती है। निकासी आब का दुरुस्त निज़ाम ना होने के बायस जो मुश्किलात जन्म लेती हैं, लोगों की परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर देती हैं। और गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से, क्योंकि बारिशों का जो ये सिलसिला है ये तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा इसको हो चुका है, और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद से बेपनाह हमें पैगामात मौसूल हुए, और हमने कोशिश की अपने प्रोग्राम्स में कि इस हवाले से गुफ्तगू की जाए। पूरे मुल्क में ही ये सिलसिला जारी है, लेकिन मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि शहर कराची क्योंकि मसाइल का गढ़ है और रोज़ बरोज़ इन मसाइल में मुश्किलात में लोगों की इजाफा होता चला जा रहा है। अब समझने की बात यह है कि इन हालात में जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम नज़र आ रही है, और ये बात बार बार क्यों दोहराई जा रही है उसकी वजह यह है कि आप किसी भी इलाके में चले जाएं इस वक्त, छोटा या बड़ा, आपको कमोबेश एक ही सूरत हाल नजर आएगी। जगह जगह पानी आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, और जैसे मैंने कहा कि निकासी आपका क्योंकि निज़ाम मौजूद नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ चुके हैं। और मसाइल इतने सारे हैं, मुख्तलिफ मसाइल पे अपने गुफ्तगू करते हैं प्रोग्राम में, जैसे ट्रैफिक के मसाइल इस वक्त भी, क्योंकि आज बाकायदा स्कूलों का भी तालीमी साल का भी आगाज़ हो चुका है, दो माह की जो छुट्टियां रही हैं उसके बाद ट्रैफिक का बेपनाह रश इस वक्त पाया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि बारिशों का सिलसिला भी जारी है, तो ये एक बड़ा मसला इस वक्त है, और इस हवाले से भी पैगामात मौसूल हुए हैं कि इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही, और ये अगर इंतज़ामिया है तो वो कहाँ है, और ख़ास तौर पे इन जो औकात में जब बारिश बरस रही हो, ट्रैफिक जैम हो, सुबह का वक्त हो, उस वक्त इंतज़ामिया का होना नज़र भी है। बहरहाल इसके अलावा बहुत सारे दीगर मसाइल हैं जिसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में हम बात करते हैं, और आज भी इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। उसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं इस वक्त जारी उसके ऊपर भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, पहले मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं, तला बेग समाजी कारकुन हैं, तज़ियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते रहे हैं, आज एक दफ़ा फिर हमने उन्हें मधु का रखा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश तलब एक प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान सैयद शहजाद रज़ा साहब, आप भी एक समाजी कारकुन हैं, सियाकार हैं, उन्हें भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपकी शहजाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तला साहब फरमाइएगा, अभी ये जो इब्तदाइया में एक तमहीद बांधी गई है शहर कराची के मसाइल के हवाले से, मैं और आप इसी शहर के बासी हैं, और ये सवाल करते हैं कि ये इंतज़ामिया इन औकात में इस वक्त जब इंतहाई मुश्किल सूरत हाल हो तो कहाँ चली जाती है, और बयानात देने के लिए हर शख्स मौजूद है लेकिन काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं चाहूँगा सर इस नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए, आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ हो सकता है
और क्या करने की जरूरत है, फरमाइए। देखें, कराची तो बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार है, और अगर हम शुरुआत करें तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा ही वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इसको इस एक एक शो के अंदर हम इसके ऊपर डिबेट ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखें ना कि बारिशें हो गई, ठीक है, एक पेशन गोइयाँ थी, और ये 1.5 महीने से ये मामला चल रहे हैं कंटिन्यू कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें होंगी, मगर इसके ऊपर इंतज़ामिया खामोश, इंतज़ामिया ने कोई एक प्लानिंग नहीं की, कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई कि हम लोगों ने इसको लुक आफ्टर कैसे करना है। दूसरी चीज़ ये, हम चलें बारिशों के बाद जो मिसहैप्स जो उसके बाद जो मामलात आते हैं, आप यकीन करें अब लिटरली ऐसा हो गया ना, अब बारिश होती है ना तो हमारे घर से निकलने का दिल नहीं चाहता। उसकी वजह ये है कि या तो आप गाड़ी में निकलेंगे तो आपकी गाड़ी डूबी भी मिलेगी, ऐसा ही या फिर आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे, या आपके बारिशों में अगर कोई बाइक पे हो तो उनका तो बेचारों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं, बाइक नहीं, वालों का बाइक तो वाला वो ऐसा तो ही। करंट लग रहा है या कोई गटर में गिर रहा है या कोई नाले में गिर रहा है, मतलब हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद भी है कि नहीं है। हम लोग ये एक सवाल करते हैं वक्त हुक्मरान से कि आप, मतलब कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा, जंग के हालात में भी जो हुक्मरान फ्रंट फील्ड पे खड़े होते हैं, या इतने मुश्किल सूरत हाल है हमारी, कोई इसको लुक आफ्टर नहीं कर रहा, कोई निज़ामिया नहीं है, कोई किसी के ऊपर तनकीद करता है, कोई किसी के ऊपर तनकीद करता है, कोई सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के दिखा रहा है कि सब रोडें क्लियर हैं। उसके अलावा देखें, ये खैर पूरे पाकिस्तान में इसने बारिशों के ने बड़ा साइड इफेक्ट दिया है, और बिलखसूस मैं अगर बात करूँ बलूचिस्तान की तो बहुत तबाहली का शिकार है, और ख़ासकर हमें बलूचिस्तान के जो भाई हैं उनके लिए, जो गुजर गए हैं उनके लिए दुआ गो भी हैं, और वहाँ पर भी हमारी जो बतौर एक सोशल एक्टिविस्ट हमने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं बेला में, उसके अलावा विंदर में। लेकिन आप ये देखें कि फ्लडिंग आई, मगर वहाँ भी जो है कम से कम वफाकी हुकूमत ने थोड़ा बहुत जो है दौरे कर रही है, क्योंकि सूबाई हुकूमत तो जितने भी सूबों की बिल्कुल फेल नज़र आती है, वफाकी हुकूमत आ रही है, और फिर हम फौज के ऊपर भी हम वो अपील कर रहे हैं कि फौज आए हमें जो है राशन वगैरह तकसीम करे, तो बड़ी बुरी सूरत हाल है उधर भी। लेकिन अभी ये कि चलें, ये तो वो तो एक रूरल एरिया है, वो तो पसमानदा इलाका है थोड़ा सा, शहर के कराची की अगर बात करें तो यहाँ तो हमें कोई पुरसाने हाल ही नज़र नहीं आता। आप यकीन करें, अभी मैं आपके अगर स्टूडियो तक आ रहा हूँ तो इतना बुरा ट्रैफिक है, उसके बाद रोडों का हाल आप देखें हमारी, मतलब ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ये हमारी रोडें बनी हैं, मतलब हमारे कॉन्ट्रेक्टर कैसे हैं, कोई सवालिया निशानी, रोडों में खड्डे पड़े हुए, मतलब एक बारिश बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ऐसा ही है। तो आप, मतलब कोई पूछने वाला नहीं, किससे इंसान पूछे, किससे सवाल करे, अगर आप पीपल्स पार्टी से बात करें या सिंध हुकूमत से बात करें तो बोले हम ये एमकेएम के दौर में मामला, तो एमकेएम से बात करें तो वो बोले कि सिंध गवर्नमेंट ने किया या वफाक ने किया, तो हमारे पास तो किसी का कोई मुस्बत जवाब ही नहीं आ रहा। तो इसको हम नहीं समझते कि अब कोई सूरत हाल कोई नज़र आ रही है कि कहीं कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा वहाँ, बहुत बुरी सूरत हाल है यासिर भाई, हमें यकीन करें अब उम्मीदें छोड़ते हुए नज़र आते हुए लोग, हमें ये दिख रहे हैं कि लोग रो रहे हैं अब बहुत, एक तो पहली माशी दबाव से लोग पिस चुके हैं, और अब उसके बाद ये हालत है, लोग जा नहीं पा रहे, ऑफिस नहीं जा पा रहे, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, किसी ने आगे आना पड़ेगा, वैसे तो लग नहीं रहा लेकिन किसी ने आगे आना पड़ेगा, किसी ना किसी को कदम बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, किसी ना किसी तरह इसको आगे बढ़ाए। आप यकीन करें, अगर मैं अभी हम थोड़ी सी अगर मईशत की बात भी करें कि जो मुल्क की हालात चल रहे हैं, तो ब्लूमबर्ग ने जो नुमाया मालियाती अदद शुमार जो उसने शाया किए, उसके मुताबिक रुपए की कदर इतनी गिर चुकी है कि मतलब मुल्क की तारीख में 1988 के बाद ये बहुत मतलब बहुत वर्स्ट सूरत हाल है। तो आप ये देखें, 7.9 बिलियन जो मेरे पास अदद शुमार आया था वो उसमें खसारे में जा चुका है। तो आप हमारे पास कोई मतलब यानी कि पुरसाने हाल नहीं है, हमारा मुल्क बहुत बुरे सूरत हाल में, हम लोग यही आवाम से अपील करेंगे, ये बहुत मुश्किल वक्त है, इस वक्त आवाम को चाहिए कि यकजा हो, अपनी मदद आपके तहत जो भी मुश्किल मामला सामने देख रहे हैं, बेशक वो मईशत के हों या शहर कराची के इस तरह के बारिश से जो आप आफ्टर अफेक्ट्स आ रहे हैं, उस पर मिलजुल के कहीं ना कहीं आप मोहल्ला कमेटी बना के या जो सोशल एनजीओ से मिलजुल के काम करें, हुकूमत वक्त से हमें नजर नहीं आ रहा कुछ काम अपनी करते मदद हुए। आपके तहत आप ये समझते हैं कि काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत वक्त से आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं 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 नजर आ आ रही, रही। यही मेरा ख्याल है वक्त का तकाजा भी है कि सियासी इख्तलाफात अब खुला कर, क्योंकि जिस तरह की सियासी तरबियत की गई, और ख़ास तौर पर एक जमात जिसका मैं अक्सर यहाँ पर तस्करा करता हूँ, बड़ा नागवार लोगों को गुजरता है, लेकिन ये वाकता ऐसा है कि लोगों को हकीकत में गुमराह किया गया, और जिस तरह उनकी जहन साजी की गई है उसके अफसोसनाक वाक़ात आए दिन आप देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं सियासी टकराव होता है और ये सिलसिला भी जारी है। तो ये जो सियासी आगही जिसके आप दावा करते हैं कि आ गई है या हमने लोगों तक पहुंचा दिया है, अब लोगों पे जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो इन मामलों को समझें, क्योंकि इन हालात के जो जिम्मेदार हैं वो लामहाला ये लोग भी हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा हैं जिनको इस वक्त आप कोस रहे हैं।
तो बहरहाल इस मामले को आप समझने की कोशिश करें। दूसरी तरफ ये कि माह मुहर्रम का अब आगाज़ हो गया है, हमारे लिए एक बड़ा मोहतरम महीना है, और अब यहाँ पर अब शहर कराची के अंदर पहले तो कभी किसी ज़माने में बहुत पहले की बात है कि बड़ा एहतमाम हुआ करता था, गलियों की सफाई पहले हो जाया करती थी, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। तो बड़ी लोगों को मुश्किलात का इस वक्त सामना है, बहुत सारे लोगों के पैगामात भी मौसूल हुए कि अब सड़कें साफ तो दरकिनार मौजूद ही नहीं है, तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो यकीन आगे बड़ी दुश्वारी लोगों को हो सकती है। तो इस सिलसिले में क्या करने की ज़रूरत है? अब ये फिर एक दफ़ा अथॉरिटीज़ के ऊपर एक सवाल उठता है और उनसे ये पूछा जाएगा कि क्यों इसके लिए इंतजाम नहीं किए गए। जैसे अभी तला ने तस्करा किया कि पहले से इस बारे में पेशगोई की गई थी कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन अभी तक हमें अथॉरिटीज़ हरकत में नज़र नहीं आ रही। शहजाद साहब, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आए दिन जो है मैसेज मिल रहे हैं, और मुसलसल जो है अपना वीडियो भी काफ़ी जो है मजालिस की और इनकी आ रही हैं कि हम कौन से सड़कों से लेके जाएं अपने मजालिस के जुलूस वगैरह। अच्छा, हमेशा मुहर्रम के आने से पहले जो है रोडों की रिपेयरिंग होती थी, काम होते थे, तो इस महीने के अंदर खसूसन जो है एक उम्मीद होती थी बहुत सारे लोगों को, चलो यार किसी ना किसी के सदके तो ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी नज़र नहीं आ रहा। और अक्सर ये देखा है, बहुत सारी तो इमाम बारगाहें ऐसी हैं जिनके आगे ये हाल है कि लोग नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा सकते, मजालिस तो दूर की बात है। और बात यह है कि अभी जैसे फर्स्ट मुहर्रम का जो कल का दिन गुजरा है, तो वो भी जुलूस जो है काफ़ी जगहों से नहीं निकाल सके अपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से, तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा जो है एक मसला है हमारे को, इस पर भी सोचना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। और एक और हैरत की आपको बात बताऊं, ये सालों से ये लॉलीपॉप हम देखते हैं कि कुछ जो है इनके नुमाइंदे जो है गटरों से जो है वो निकाल के ले आते हैं कि भाई गटरों को चोक किया हुआ है। यार ये 1990 में बात समझ में आती थी, बिल्कुल ठीक ठीक है। इस मीडिया के दौर के अंदर आज जो है आप गटरों से जो है वो बड़े बड़े बोरे निकाल के ये बता रहे हो कि यार गटर ऐसे चौक होते हैं, तो भाई फिर सुबह छोड़ देना आप सुबह की जो है नुमाइंदगी करना, फिर दे देना किसी के हवाले कर दें कि भाई हम लोग सियासी लोग जो है कुछ नहीं कर सकते और हम आपस में एक दूसरे के साथ ये सब करते हैं, तो भाई फिर जो है इसमें तो गवर्नर आज लिखना चाहिए इस मुल्क के अंदर जो मामला इस खास सूबे में चल रहे हैं और इस शहर के अंदर चल रहे हैं। और जो है भाई हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं और बोल बोल के थक गए, इन लोगों ने आखिर काम नहीं करना। अपनी मदद आप जो है आवाम को निकलना पड़ेगा, महल्ला कमेटियों की ज़रूरत है और होना नहीं चाहिए वैसे ही है, क्योंकि फिर उसके अंदर भी बहुत सारे जो है लोग निकल के आ जाते हैं, फिर वो दादागिरियाँ चलती हैं, ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है उसी को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, हम लोग तो हुए हैं जो टैक्स देते हैं, फिर हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, उन लोगों का क्या हाल होगा? बिल्कुल सही है। और दूसरा ये कि जो पसमानदा इलाकों का भी तला ने तस्करा किया, बलूचिस्तान के जो इलाके हैं मुख्तलिफ, और इससे पहले भी ऐसी ही जब कुदरती आफात आती हैं, आवरान के अंदर आपको याद होगा जब जलजला आया, बड़ी मुश्किल वहाँ पर पेश आई। अब ये जो हुकूमतें हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर पेश की इकदाम करें। चलें कुछ आफात ऐसी हैं जिसके अंदर यकीनन इकदाम नहीं हो सकते, जिससे जलजले वगैरह हैं, लेकिन ये जो बारिशों का सिलसिला होता है ख़ासतौर पर इन अयाम में और ये जो महीने हैं जुलाई अगस्त, इसमें तवातुर के साथ बारिशें हो रही हैं गुज़िश्ता चंद सालों से, लेकिन इसके लिए कोई पेशगी इकदाम नहीं किए गए। अब लोग ये पूछने पे हक बजानेब हैं कि वो ये इतनी जो वोट के लिए मेहनत करते हैं, अपनी जो पार्टीज़ को मुंतखब करते हैं, यहाँ से भी एक पार्टी को मुंतखब करवाया गया, सदर वज़ीर आज़म लगाया गया, सब कुछ हुआ और नतीजा आपके सामने। मेरे ख्याल में इन बातों को अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों में वाकईतन सियासी शऊर आ चुका है तो वो यकीनन नहीं भूले होंगे कि इतनी बड़ी तादाद में MNA MPS को कामयाब कराकर पाक में भेजा गया और फिर उन्होंने भी दोनों हाथ ऊपर कर दिए। तो क्या यही किस्मत इस शहर की रह गई है कि जो भी हुकूमत आएगी वो सिर्फ यही उज़्र पेश करेगी कि हमारे पास जो है वो इख्तियारात नहीं है, या बीच में कोई आईनी तरमीम जो है वो हाइल रुकावट है जिसकी वजह से हम काम नहीं कर सकते? अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो फिर तो लोगों को सोचना होगा क्या कि निज़ाम से कोई फ़ायदा हो सकता है जिसके लिए इतनी तगोतौ की है, इतनी जद्दोजहद की है, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इससे हासिल क्या होने वाला है? देखें, ये गुज़िश्ता 3 सालों से बारिश है जब से हुकूमत आई, मैं आपके प्रोग्राम चैनल के तवज्जो से ही बताता रहा हूँ लोगों को कि लास्ट ईयर भी जो बारिश हुई थी उसमें भी पूरा सरजानी डूब चुका था जी,
और जो डिप्टी कमिश्नर थे या जो इंतजामिया थी दावे किए थे कि हम अकोमोडेट करेंगे लोगों को वहाँ पे जिनके मकानात डूब गए हैं, तो खैर वो दावे के दावे ही रह गए। बहरहाल उसके ऊपर तो बड़ी एक लंबी डिबेट है। खैर उसके बाद अब इस साल तो बहुत ही ज़्यादा पेशन गई थी और सबने बोला कि हमने नालों की सफाइयाँ कर ली हैं। खैर अगर हम वफाक की बात करें, देखें जहाँ एक चीज़ तनकीद करते हैं वफाकी हुकूमत, जो साबिक वफाक की हुकूमत गुजरी पीटीआई की, तीन बड़े नाले जो है वो वफाकी हुकूमत ने साफ करवा दिए। मतलब सिंध गवर्नमेंट से या दूसरों से तो हमें ये भी उम्मीद नहीं थी, तो वो जो तीन बड़े नाले साफ हुए उसके से मैं समझता हूँ फिर थोड़ा सा शायद मामला कंट्रोल था। लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ कि आप ये देखें तकरीबन अगर ये दो चार दिन पहले चले जाएं या एक हफ्ते पहले, ज़्यादा दूर नहीं जाते, कराची लिटरली पूरा डूबा हुआ था। आप यकीन करें मैं मतलब ऐसे पोश इलाकों को मैंने देखा, डिफेंस तो खैर डूब ही गया, उसके अलावा गुलशन इकबाल हो गया और मतलब फेडरल पी एरिया, ये वो इलाके थे। मतलब यहाँ पे बारिशें पहले भी हुई हैं, 10-20 सालों से बारिशें हो रही हैं, हम तो बड़े यहीं हुए हो मगर ये हालात हमने नहीं देखे। उसके अलावा आपने मतलब यानी कि पहले तो यहाँ कराची में गोट आबाद किए, अच्छा गोट आबाद इतने गोट हो गए उसके बाद आप पूरे कराची को गोट बना दिया। अगर हम ये मैं गलत ना हूँ तो आप ये देखें ना, मतलब आप गोटों को लीज कर रहे हैं, कच्ची आबादी के मिनिस्टर को बोल दिया, इसके ऊपर एक बड़ा एक वो मामला है। लेकिन मकसद ये है कि आप फिर उसके बाद इनके वजीर बयान ऐसे देते हैं कि ये गुलशन इकबाल गोट था या दूसरा कोई गोट था। आप मतलब बैनुल अक्वामी शहर को आप गोट का दर्जा दे रहे हैं, मतलब यहाँ सीवरेज, आप यकीन करें रोडों पे सीवरेज ही सीवरेज है। मतलब हमारे आने वाली नस्लें, हमारे आने वाले बच्चे वो क्या देख रहे हैं। मतलब हम बैनुल अक्वामी मुल्कों के साथ अगर मुवाजना करें, दूसरे ममालिक के साथ भी, वो भी इतने बदहाली में नहीं है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, आप यकीन करें कराची में ये बारिशों के बाद ये जो पानी रोडों पर, डेंगू में कितना इजाफा हुआ है, जो हमारे पास आदादो शुमार आ रहे हैं, इतने बीमारियां यहाँ पे मतलब जन्म ले चुकी हैं। अच्छा कोई पूछने वाला नहीं है, अब वो कितने उसमें लोग गुजर भी गए हैं। तो मकसद यानी कि हुकूमत वक्त का काम होता है कि आप अपने शहरी को जो है अच्छी सेहत फराहम करें, तालीम फराहम करें, दूसरे दीगर मामलात करें। आपने तो छोड़ दिया, अल्लाह माफ करे, वो अब वो किधर जाके रोए। वो तो बस यही है ना, सोशल मीडिया पे हमारे पास क्लिप्स आ जाती है, थोड़ा सा हम लोग कमेंट्स कर लेते हैं, मगर मैं आवाम से अपील करूंगा कि अब हमें निकलना पड़ेगा बहसियत पाकिस्तानी और बीइंग अ कराचीआइट। अगर हम कराची के रहने वाले हैं तो अब हमें निकलना पड़ेगा। अब भी अगर आप कराची वाले घर पे बैठ के और सिर्फ सोशल मीडिया पे स्क्रोल करके हम चीजें देखेंगे तो मैं समझता हूँ फिर हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं मौजूद है। हम लोगों को निकलना पड़ेगा, अपनी मदद आपके तहत जो हमारे पास महदूद इख्तियार है या जो हमारी जितनी बसात है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं अपने इलाके में काम करवाएं। क्योंकि मैं नहीं समझता कि अब हुकूमत नाम की कोई चीज़ इधर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, ये सूबा सिंध के अंदर। अब भी अगर आप हुकूमत को कोई सोचेंगे, यहाँ तो बस अल्फाज नहीं हमारे, हम इनको इनके बारे में बोले क्या, तो हम लोगों को खुद करना पड़ेगा सारे काम। हम लोगों ने देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं, कोई एक लाया अमल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सदर, ये फरमाइए कि क्योंकि आप समाजी कारकुन भी हैं, कार खैर के कामों में हिस्सा भी लेते हैं, अपनी एक आपने ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी है, एक एनजीओ भी आप चलाते हैं, कि मुख्तलिफ इलाकों में जाने का इत्तेफाक होता होगा, छोटे बड़े तमाम ही इलाकों में, कैसे वहाँ पर पहुँचते हैं, कैसे काम करते हैं, और यकीनन काम करने की नीयत हो तो सब कुछ आसान है, तो क्या हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकता है इन इलाकों में पहुँचना और वहाँ पे काम करना, चाहे किसी भी हवाले से हो, ये फरमाइए। नहीं, कोई कराची शहर के ना कोई ऐसी जगह नहीं है ऐसी जहाँ हुकूमत नहीं पहुँच सके, जो है आराम से पहुँच सकती है। कहीं डूबा हुआ शहर तो नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, कि हेलीकॉप्टर से उतरना पड़ रहा है, जैसे हम देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर आज ये हाल है कि आप जो है बाय रोड जो है नहीं जा सकते हैं, रोड टूटे हुए हैं जी, बिल्कुल उनको खाने को नहीं है, वो अपीलें कर रहे हैं तो वो ऊपर से। लेकिन हमारे साथ तो ज्यादती जो है वो ये है कि काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप दूर क्यों जाते हैं, सरजानी बहुत जो है रूरल एरिया हो गया, आप यहाँ आ जाएँ अपना सिविक सेंटर के ऊपर, मेन चाह रहा है अभी जो है आधा घंटा जो है ये जाम रहा है सिर्फ अपना जो है सिविक सेंटर से लेकर जेल चुरंगी तक। वजह क्या थी, वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि दो तीन बड़े जो है गड्ढे पड़ चुके हैं और जो है मेन होल जो है खुले में ऐसे ही। लोगों की गाड़ियां फंस रही हैं, ये हो रहा है, बस ये देखें उस जगह की बात है जहां लोगों को गुजरना ही गुजरना है, लाखों की तादाद से भी ज्यादा, बिल्कुल ठीक है, उसका ये हाल है। और दूसरी बात जो भाई ने बात करी कि पूरे जो है कराची को गोट बना रहे हैं, एक तो मसला ये है कि सबसे पहले तो बिठा के 20 साल के बाद और 25 साल के बाद उनको खाली करवाना, देखें इसमें सब जो है बीच में शामिल होते हैं। आप अभी स्कीम 33 के अंदर एक बहुत बड़ा मसला उठा हुआ है गाजी गोट के हवाले से, और जो है उसके अंदर आप ये देखो मुसलसल जो है जो पुलिस के जवान है वो जख्मी हुए हैं काफ़ी तादाद में, और जो है उसके बाद जो है वहाँ के जो रहने वाले हैं उनके ऊपर भी जो है काफ़ी जो हुआ है। अब उसके अंदर जो है मज़ीद अब
गवर्नमेंट ने वजीर आला को, आप ख्याल आए इतना सब कुछ होने के बाद कब से चल रहा है ये, तकरीबन जो है 2-3 महीने से ये मामला चल रहे हैं और ये ऑपरेशन को भी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया चलते हुए, मुसलसल जो है दोनों रोड बंद है क्योंकि मेरा अक्सर वहां से गुजर होता रहता है। लेकिन आज 20 साल के बाद या 30 साल के बाद आपको ख्याल आया गाजी घोट जो है कितने ब्लॉक, ई ब्लॉक, जी ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि गाजी घोट जो है वहां पर अब वो आबाद नहीं है, रातों रात आबाद नहीं हुआ, ठीक है। अब जो है सबको ख्याल आ रहा है नस्ल टावर का जो हुआ वो सबके सामने है। देखिये ये ज्यादती क्या आवाम के साथ है। अब जो है बड़े बड़े लीडर निकल के आ गए इतना सब कुछ होने के बाद, जब सब कुछ हो गया, एक साहब अमेरिका भागे हुए थे वो अमेरिका से भी आ गए, ठीक है ना, वो आ जाके बयान दे रहे हैं। और जो है अब ये कहा जा रहा है कि भाई आके जो मासूम जो लोग हैं, मैं यकीन करें दस्तखान हम चला रहे होते हैं, कितने में देख रहा था लाड़काने के और जगहों के बेचारे वहीं पर ही जो है हमारे दस्तखानों पे सोते भी हैं, खाना भी खाते हैं। अब उनको जो है जोश दिलाया जा रहा है कि आप आए, जितनी जमीनें खाली हैं उन पर बैठ जाए और जो है आप ये करें, सिर्फ अपनी सियासत जमकानी है, उनको कुछ नहीं मिलना है, वो बैठ जाएंगे, उनके बाद जो है उनको चंद खर्चा दे के, क्योंकि आपको पता है गरीब का हाल है, रोजगार है नहीं, उनको हटा दिया जाएगा, फिर ये बेचेंगे, फिर वही डिमांड होंगे इनकी। तो भाई लिहाजा जो है आवाम को जो है हर तरफ से लूटा जा रहा है, भले वो सोशल वर्कर हो या तो सियासी आदमी हो, कोई भी हो, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब जो है सोचना चाहिए कि भाई 1990 वाला दौर देंगे, अब आप जो है आगे निकल चुके हो, दुनिया कहाँ पहुंची हुई है और आप वहीं के वहीं हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इस मामले पर गुफ्तगू जारी रखी जाएगी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी शहर कराची के मसाइल के हवाले से और यही मसाइल कम बेश पूरे इस वक्त मुल्क के हैं। बारिशों के बाद जो सूरत हाल रहती है, हर दफ़ा यही बहस है, यही सवालात हैं और हर दफ़ा हमें जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो बेबस नज़र आती हैं। अभी कुछ देर पहले कुछ मामला ज़ेर बहस आए थे, मैं इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करना चाहूँगा। मौसिस मेहमान तशी फरमाए तला बेग और सैयद शहजाद रज़ा साहब, उनसे इस मामले पर गुफ्तगू हो रही थी। तला साहब ये फरमाइए, जैसे अभी कुछ देर पहले ये इनक्रोचमेंट वगैरह के हवाले से बात हो रही थी, ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से तमाम चीज़ें होती हैं, फिर यहाँ पर बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी मौजूद है और इस तरह दीगर डिपार्टमेंट मौजूद है, जैसे नस्ला टावर का भी तस्करा हुआ। अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है कि तमाम इदारे और अथॉरिटीज़ होने के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है और उसके बाद जब कोई अदालती फैसला आता है उसके बाद ये तमाम अथॉरिटीज़ मुतारिक हो जाती हैं। ये सिलसिला क्या है, जैसा अभी शहजाद साहब ने तस्करा किया कि 90 का दौर तो गुजर चुका है, क्या अब भी लोगों को उसी तरह ये समझते हैं कि गुमराह रखा जाएगा और उनको शायद हकीकत का इल्म नहीं होगा, क्या ये मुमकिन है? देखें, कराची में 3 मास्टर प्लान काम करें, KDA, MDA और LDA, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, तीनों के पास मैं समझता हूँ कोई लेआउट ही मौजूद नहीं है। जहाँ KDA के जो स्कीम है KDA के पास है, उस उन स्कीमों के अंदर भी यहाँ इतने गोट आबाद हो गए, फिर वो कच्ची आबादी वो एक अलग मामला है, कच्ची आबादी वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं या कच्ची आबादी के जो लोग हैं उनको फिर रेगुलाइज करते हैं। तो आप एक मास्टर प्लान के अंदर आप मतलब गोटों का बात करें, आप कहीं भी जाए मतलब हर एक पोश इलाके के पास आस पास इर्द गिर्द में गोट होगा। ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए किस सियासी पार्टी ने ये मामला किए, खैर इसके ऊपर हम बहस नहीं करते। अच्छा, ये पूरे कराची को आप चारों तरफ से गोटों ने घेरा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर अब ये अभी का नहीं है, ये तो 20-30 सालों से सारे मामला हो रहे हैं और आज भी मैं समझता हूँ या बात करूंगा तो कहीं ना कहीं गोट आबाद हो रहा होगा। तो इसके ऊपर तो एक बड़ा एक मामला है। अब एंटी इंक्रोचमेंट जो करवाई जा रही कराची के अंदर, सचल के अंदर, सफूरा गोट में और गबोल गोट आगे गाजी गोट की तरफ, तो देखें ये अब वहाँ भी खैर जो मामला जो इंक्रोचमेंट के नाम पे जो मामला हुए उसके ऊपर जो है, फिर यहाँ के लोग जो रिहायशी थे वो भी जख्मी हुए, पुलिस के भी कुछ लोग जख्मी हुए, फिर उसके बाद CM साहब ने एक्शन लिया, पुलिस वाले सस्पेंड हुए, रेवेन्यू के लोग सस्पेंड हुए, डिप्टी कमिश्नर वगैरह, मगर बात ये इंडिया हमारे पर रस्ता नहीं। अब वहाँ क्या कौम परस जो सियासी जमाते हैं वो लोग वहाँ बैठ गए। अच्छा, वो लोग भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, कोई ऐसी इसमें कोई बात नहीं, हम तो पूरे सिंध की बात करते हैं, चाहे वो लड़काना हो, सक्कर हो, नोटडेर हो, नवाबशाह हो, मतलब ये पूरा सूबा सिंध है, हमने पूरे क्योंकि हम इंटीरियर में भी काम करते हैं, बींग अ सोशल एक्टिविस्ट समाजी,
तो हमने काम तो पूरे पाकिस्तान और पूरे सिंध को देखना है, मगर बात वही वाली बात है ना कि देखें अब ये अगर हमने सवालिया निशान ये हम पे कि ये आबाद किसने कराए हैं, अगर हम इसके ऊपर जाएं कि जाहिर है ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये रेवेन्यू के लोग मिले हुए ना हो या डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए ना हो, आपने गोटों को आबाद तो करवा दिया, आबाद कराने के बाद उसी गोटों को जाहिर है क्योंकि इतने अक्सर गोट मैंने देखा नाले के ऊपर भी आबाद है। अब वो जो आप बात करते हैं कि ये फ्लड्स आ गए या अर्बन फ्लडिंग जिसको बोलते हैं और उसमें जो है गोट दे रहे आप आ गए, तो गोट आबाद कैसे हुए, मतलब वो जगह ही नहीं गोट आबाद करने की। आप ऐसी ऐसी जगहों पर कट्टी पहाड़ी की अगर हम मिसाल दें, मतलब यार एक बैन अलावामी शहर है, हमने यहाँ से इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और आप अगर हम थोड़ा सा ज्यादा पीछे ना जाए 50 साल पीछे चले जाए, आप कराची की दुनिया यहाँ पे बड़े बड़े लोग कराची को विजिट करने आते थे, मलका बरतानिया यहाँ पे आई है कराची के अंदर, और कराची को मतलब आप लोग हम सब बड़े यही हुए, हमने देखा बड़ा एक अच्छा निजाम था। आज हम इस कराची को हम गोट से कम नहीं बोल सकते, मतलब हम इसको मेरे मुंह में खाको मैं कराची गोट बोलना चाहिए, हम कैसे इसको मल्टीनेशनल सिटी बोल लें। आपने कोई पुरसाने वाल छोड़ा नहीं है, आप उसको इतना जंजाल बना दिया ये, उसके अलावा अगर देखो हम ये छोटी छोटी बुनियादी चीजें, फिर आपने ठेले पतारे, ये पूरा एक जंजाल है, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, हर बंदा मतलब MC हो कोई भी डिपार्टमेंट हो कहीं ना कहीं करप्शन चल रही है। आपने पता क्योंकि देखिए जो कार्ड्स होते हैं उसका एक निजाम होता है, बैन अल-अक़वामी मुल्कों में आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं एक जगह जैसे बुद्ध बाजार, वो मुंतज की जैसे बुद्ध बाजार वगैरह आपने चलो बना दिया ठीक है, एक जगह आपने गवर्नमेंट ने फराम कर दी, अब ये रोडों पे हर दुकान वाले ने कहीं ना कहीं 20-40 फुट इंक्रोचमेंट की हुई है, जब वो आगे होगा तो ट्रैफिक जाम होगा, फिर दूसरे मामला तो होंगे। सबसे पहले तो मैं बोलता कराची का जो ट्रैफिक है ना सबसे बदतरीन ट्रैफिक मैं बोलता पूरे पाकिस्तान में कराची का। अब यकीन करें आप एमएजिना रोड जो मेन शाहराह है जैसे पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आईजनी रोड और एमएजिना रोड, अब उसका हाल देखें, मतलब कोई एक कारोबारी शख्स वहां सुबह अगर उठ गए वो 10 बजे तो पहुंचेगा, मतलब यार आप कहां रहते, ग्रीन लाइन बस आपने बना दी उसके बाद मुतबादल कोई निकाला नहीं है, सर्विस रोड पूरी जाम पैक्ड होती है, दूसरी रोडें जाम पैक्ड होती है, मतलब हम कराची की सबसे बड़ी रोड शाहराह फैसल को हम देख रहे हैं, मतलब आप अगर लाहौर से मुवाजना कर लें तो लाहौर के अंदर बड़ी तरक्की याफ्ता सड़कें हैं, बड़े मामला अच्छे हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई अच्छा एक सिस्टम नहीं, अंडर पास हमारे डूब जाते हैं, कोई एक पुरसाने हाल नहीं है, तो हमें ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता हूँ ठीक करना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक नालों की सफाई से या 2-4 रोड की पैचिंग से सही नहीं होगा, एक पूरा एक निजाम बनाना पड़ेगा बरसाती नाले का, एक जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था 2-4 प्रोग्रामों पहले कि बरसाती नाला और जो सीवरेज का नाला था वो अलग अलग होता है, बहुत सारे मुल्कों में ये मिसालें हैं, या हम क्या करते हैं हम जो आम नाला जो सीवरेज नाला उसी के ऊपर हम लोग बारिश का पानी भी उसी में फ्लो जा रहा है, तो जाहिर है उसमें कैपेसिटी होती है, समझने वाली बात है, वो फ्लो बैक करता है, जो फ्लो बैक करता है वो आबादियों में आता है, पोश इलाकों में आ रहा है, मतलब आप यकीन करें मैं बोला ना बारिश के अंदर निकलने का दिल नहीं चाहता इंसान का, और जो मजबूरी में निकल रहा वो बेचारा या तो हादसे का शिकार होता है या डूब जाता है, अल्लाह माफ करे कोई ना कोई, तो ये हुकूमत को अल्लाह माफ करे, मुझे नहीं लगता कि अब उनके सर पर कोई जू रेंगेगी, बतौर सामाजिक कारकुन हम लोगों ने आगे निकलना है, और हम लोग निकल रहे हैं, हमारे लोग हैं, और सिर्फ कराची नहीं हम तो पूरे सिंध में निकल रहे हैं, बलोचिस्तान भी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह 2-4 दिन में मेरी इमदादी कार्रवाइयां, मेरी पूरी टीम तैयार है इसी हवाले से, बलोचिस्तान के ऊपर हम काम करें, भाई को भी मैं दावत दूंगा क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं और वो बहुत बुरे हालात में, हम तो अल्लाह माफ कर हम भी बुरे हालातों में हैं, हमारे पास मैं समझता हूँ बलोचिस्तान और सिंध के अंदर अब कोई फर्क नहीं रहेगा जो जिस तरह के हालात होंगे। आपने भाई ने जब भी शुरू में मिसाल दी थी ना कि हेलीकॉप्टर वहां जाता है, आप यकीन करें ज्यादा दूर नहीं 2-4 महीने बाद शायद हम कराची में भी हेलीकॉप्टर देखेंगे, यहाँ पे भी इमदादी कार्रवाई इसी तरह होंगी, अब कोई रस्ते खत्म हो गए, कॉस्बे की रोड बंद हो जाती है, शुरू से ये शहर जो है इन कामों में आगे रहे, पूरे जो है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक वाहिद ये शहर है जो हर जगह पहुंचते हैं यहाँ के लोग, सामाजिक कारकुन वगैरह जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जब भी कोई बड़ा हादसा हुआ कोई साना हुआ है तो ये शहर से जो है लोग पहुंचे, लेकिन अब आगे क्या हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई बिजनेस कर सकता है इस शहर के अंदर क्या, वो आगे निकल के अभी देखें आप हम यूनिवर्सिटियां नहीं मांगेंगे, डिमांड ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते यार, हम अपने रोड मांग रहे हैं, बिल्कुल है सही सही है, नालों पे आज इस दौर के अंदर भी हम नालों पे बात कर रहे हैं, ना हॉस्पिटल की बात हो रही है ना किसी अम्यूजमेंट पार्क की बात हो रही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि तो सिर्फ बुनियादी जरूरत है, पैदल चलने के लिए गाड़ी चलाने के लिए आपको सिर्फ, अभी तो हम ये बात नहीं कर सकते भाई हॉस्पिटल नहीं है, अपने जो है स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटियां नहीं है, हम तो इस पे बहुत दूर हो गए इससे, तो हमें तो नालों पे लेके आ गए, ये सड़कों पे लेके आ गए, हम तो अब ये मांग रहे हैं कि भाई हमें जो है गुजरने के सड़क दे दो, बिल्कुल कि हमारे बच्चे स्कूल जा सके, इज्जत के साथ जा सके, बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे ज्यादा और क्या तकाजा किया जा सकता है, कि यहाँ तक बात आ गई है कि अभी चलने के लिए सड़क मौजूद नहीं है, तो ये जो दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर अभी शहजाद साहब ने बात की है, तो ये कैसे मुमकिन होगा। अच्छा अब ये फरमाइए कि ये अभी फिर बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला फिर खैर से शुरू होगा और फिर वही बातें वही नारे सब कुछ होगा, मुमकिन है
कोई डिलीवर कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाउमीदी हुई है, ख़ास तौर पे ये अभी जो इससे पहले जो एक हुकूमत गई है उसने बड़े लोगों को ख्वाब दिखाए, ख्वाबों की ताबीरें दिखाई कि ऐसा होगा और ये होगा, और हाल ये किया कि लोगों को लंगर खानों के ऊपर और इस तरह के ज़कात खैरात के ऊपर जो है वो लगा कर छोड़ दिया गया। तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी और अगर इसी तरह धोखा होता रहा तो फिर लोग किससे उम्मीद रखें? देखें, अब ये जो है ना, जो हमारी जो अभी जो माशाल्लाह से जो ये गवर्नमेंट जो पीटीआई की जो भी गई है, इन्होंने इतना शऊर दिया अवाम को कि इज्जतदार लोगों को जो है पकड़ के गाड़ियों से उतार के मारो, ठीक है, सियासतदारों को मारो अपनी जगह पे, लेकिन इज्जतदार लोगों को, सियासी मुखालिफों को, बस उन्होंने सबको ऐसे बता दिया है, समझा दिया है कि भाई अब ये आप करो, और खुद कुछ नहीं करके गए और ना कर रहे हैं, जो अभी मौजूदा हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक बहुत बड़े सहने से हम बच गए जो मेरी आंखों के सामने है, मैं उसका जिक्र खास तौर पे आपसे करता जाऊंगा। आपको पता है जो अभी वो जो हैदराबाद में बिलाल कागा वाला केस हुआ था, आपको पता है कि जब एहतियाती कॉल दी गई कहाँ दी गई, 88 में भी ये वाकये हुए थे, अलासिफ से बात उठी थी, वो पूरे शहर को आग लगी थी उस टाइम में, ठीक है। इस दफा भी एक बहुत बड़ा मसला होने वाला था, हुआ भी, क्योंकि हाईवे फौरी ब्लॉक किया। अच्छा, जिन्होंने ये एहतियाती कॉल दी उसमें काफी मैं समझता हूँ वो लोग भी थे जो ये चाहते थे कि रोड ब्लॉक करके हम कोई बात को मनवा लेंगे, कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जितनी गाड़ियां रुकी हुई थी, ठीक है, 20 से 25 तो वो उस टाइम पे जो मेरे साथ जो 15 खड़ी हुई थी उसके पास वो बोले भाई हम क्या कर सकते हैं, हम निकल नहीं सकते। वजह क्या है, लोगों को लूटा गया, मारा गया, ठीक है। मारने के बाद जो है जो गुजर रहा था वो किसी से नहीं पूछ रहा था कि कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है। जो मेहमान जा रहा है उनको मार रहे हैं, सबको मार पिटाई जो है ये खास कहाँ हुआ, शराबगोट टाउन के अंदर हुआ है और मेन शराबगोट के ऊपर हुआ है। उसमें ये नहीं कि सिंधी और पठान का मसला तो सिंधी लूटे, उसमें तमाम चलने वाले, फिर लूटामारी शुरू हो गई, फिर जो है गाड़ियों को आग लगाई गई। तो इसमें जो है अपने एसएसबी ईस्ट को और जो है वहाँ के जो अपना शराबगोट के और जो पूरा अगवान बस्ती तक के जो डीएसपी है चौधरी सुहेल फैज साहब का मैं जिक्र करूंगा खास तौर पे उनका, क्यों उन वो आज तक मैं जाता हूँ तो 20 से 25 जो है अभी थाना बंद है शराबगोट में, उन्होंने वो कर दिया, जब जाता हूँ 200-300 लोग खड़े हुए, सही है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि यार मेरा मासूम बच्चा है, जब मैं वहां जाता हूँ देखता हूँ वीडियो देखी आ रही है, बोला यार ये जितने लोग हैं जिनको उठाया है, असल में उस एहतजाज के चक्कर में चोर लोग जो है उन्हें लूटामारी करी, छीना झपटी करी, तो इसके अंदर जो है ये ऑपरेशन जो हुआ और इसको रोका गया और अभी तक ये कार्रवाई चलनी है। फिर सिंध के अंदर भी जो है लोगों को जिनने वीडियो बनाई है वो जो पकड़े गए, ऐसी ही कार्रवाइयां पुलिस करते रहे और गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दे तो इंशाल्लाह ये शहर जो है दहशतगर्दी से आजाद हो जाएगा, क्योंकि वो अगर दहशतगर्दी नहीं रुकती तो बहुत बड़ा एक सहानिया जो है होने वाला था, होने वाला था, बिल्कुल बर्वक कार्रवाई सही है यकीनन, क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना ये सूबे की जो हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है और यकीनन पुलिस के जरिए ही समझा ये जाता है। यहाँ मेरी गाड़ी को हिट किया गया, मेरे शीशे जो है दोनों शीशे टूटे, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे लोग इसका जो है वो शिकार हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है। जनाब आखिर में मैं चाहूंगा जरा तस्करा हो जाए, जैसे अभी बल्दियाती इंतखाबात का मरहला है, अब मैं यही सवाल करता आया हूँ इससे पहले भी जब ये मामला करीब था इंतखाबात का, ये मसाइल हल कैसे होंगे? और ये बुनियादी मसाइल हैं, ये बड़े सतही मसाइल हैं, शहर कराची के मसाइल तो इससे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, लेकिन उन मसाइल के बारे में अभी बात नहीं की जा सकती क्योंकि अभी तो यहाँ पे चलने के लिए लोगों के पास सड़क ही नहीं बची है। जैसा अभी शहजाद साहब ने कहा कि वो तो बहुत आगे की बातें हैं कि यहाँ पर सेहत के हवाले से क्या कुछ होने की ज़रूरत है या तालीमी एतबार से यहाँ पर कितने स्कूल मदारस और यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए, वो बात तो अब सवाल किया ही नहीं जा सकता। कैसे मुमकिन होगा कि आपके ख्याल में अगर ये बल्दियाती इंतखाबात हो भी जाएं, वो जिस तरह का सियासी माहौल है और जिस तरह जो हमारे यहाँ आदम बर्दाश्त पाई जाती है, तो कैसे मुमकिन होगा, कैसे कोऑर्डिनेशन होगी, का कोई बेहतरी के लिए सोचेगा? कराची के नहीं पूरे पाकिस्तान की बात कर लीजिए, किसी भी इलाके कस्बे में चले जाएँ, मुमकिन कैसे होगा फरमाइए। देखें, जो बल्दियाती एक्ट जो बनाया, जो बल्दियाती निज़ाम बनाया गया, मैं समझता हूँ कि अगर उसके तहत कोई भी बल्दियाती इंतखाबात करवा ले और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर बने तो उसके हाथ बंधे हुए हैं।
जो मैं शख्स यही कहता है, जो मैं सबक वजीर आजम का है वो भी यही फरमाते हुए चले गए हाँ। कि मेरे भी हाथ बंधे हुए नहीं, जो अभी मामला था, चलो एक मतलब जो सियासी पार्टियों के तस्करे आ रहे, तो इस मौजूदा बल्दियाती निजाम के तहत, क्योंकि एम्पावरमेंट है नहीं ना, जो हकीकत बात अगर आप उस पर करें कानून पर, तो उसके उस निजाम के ऊपर तो मैं समझता हूँ कोई भी काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह जो है वो 18वीं तरमीम है और NFC अवार्ड से PFC अवार्ड तक अगर आप फंड्स के ट्रांसफर नहीं करेंगे। पूछने का मकसद ये कि ये तमाम चीजें अपनी जगह मौजूद है, लोगों के बखूबी में है कि ना इख्तियारात हैं, ना ही फंड्स हैं, ना वसाइल आपके पास दस्तियाब हैं, आप ये सब कुछ करेंगे कैसे जिसके अभी नारे लगाए जा रहे हैं। एक नाजिम का मैं बताऊं, एक नाजिम का, एक काउंसलर का लाखों रुपया खर्च करके वो बन रहा है और फिर वो आखिरी साल में आके पहले ख्वाब दिखा रहा है सब कुछ। मैं तो आप हेडमिस्टर की बात तो छोड़ दो ना, एक छोटा सा कौनसा एरिया का है वो बनने से पहले जो है 3-4 गलियों के काम करवाता है जी। अपनी जेब से, फिर उसके बाद वो सारे मजे लेता है, आखिरी जब टाइम रह जाता है तो फिर वो बोलता है कि मेरे उसने हाथ माने, भाई आप क्यों इलेक्शन लड़ लो। बिल्कुल ठीक है, आखिरी जुमला जी। देखिए मैं समझता हूँ पहले तो एक करप्ट सियासी निज़ाम और नाकिस पॉलिसियों को ख़त्म करना पड़ेगा और एक सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वक्त हुकूमत है, वक्त में जो वफाकी हुकूमत है, मैं समझता हूँ अच्छे फैसले करें सबसे पहले तो ये मामला था। अब भी संगीनी के साथ सोचना पड़ेगा, अगर आप नहीं सोचेंगे तो मईशत तो वैसे ही डूब चुकी है। आगे मैं समझता हूँ कि मैं इन हालात में मैं तो खैर इलेक्शन को देख नहीं रहा, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और जो ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं समझता हूँ आवाम को चाहिए उन कैंडिडेट को जो पार्टियों को से बालाताक होकर उन लोगों को देखे जिनको वो खुद जानते हैं जो उनके इलाकों में काम करें और उनको वोट करें। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि उन तमाम चीज़ों से बालातर होकर सोचना होगा कि कौन सी पार्टी के साथ आपकी सियासी वाबस्तगी है। अगर कोई शख्स डिलीवर नहीं कर सका तो आपको उसको कतई वोट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ तलाब बेग आपका, सैयद शहजाद रज़ा आपका, दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने प्रोग्राम में वक्त दिया और बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। यकीनन ये वो मसाइल हैं जिसके ऊपर लोग चाहते हैं कि बात की जाए और हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि आवामी मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।